अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली रज़ा। तो इस वीडियो में हम मज़ीद HTML के टैग्स को देखेंगे कि और क्या टैग्स होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम इस पेज को बनाने की कोशिश करेंगे कि HTML से ये पेज किस तरह, अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने पहले लिखा हुआ था टैग्स, इनको मैं हटा देता हूँ। और मैं ये टाइटल भी हटा देता हूँ क्योंकि हम सारी चीज़ें अपने पेज के हिसाब से रखेंगे, इस यही वजह है। अच्छा जी, अब मैं रीलोड करूँगा तो कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास। और यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका टाइटल क्या आ रहा है। आप ये देखेंगे कि लर्न टू कोड फॉर फ्री कोडिंग कोर्सेज फॉर बिजी पीपल। तो हम यहाँ पे टाइटल इसका डाल देते हैं फिलहाल, लर्न टू कोड। फिलहाल हम लर्न टू कोड डाल देते हैं। और फॉर फ्री आप ये देखें कि यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया। फिलहाल हम इतना नंबर हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम फिलहाल इसको ही रहने देते हैं। और इसके अलावा हम मज़ीद देखेंगे कि हमारे पेज पे क्या आ रहा है। आप देखेंगे कि हमारे सबसे पहले ही हमारी हेड की साइट है, सही है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, बेसिकली इसको लोगो कहते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स आ रहे हैं, एक मेन्यू का बटन आ रहा है, एक प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, सही है। तो हम इसके मुताबिक यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इनपुट का टैग डाल देंगे, सही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट के टैग के अंदर सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो इसके हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल देंगे टैक्स। अच्छा, कि टाइप आपने देखा होगा, टाइप टेक्स्ट लिखा है मैंने। तो टाइप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट में टाइप कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो टेक्स्ट कुछ टाइप करके सर्च करूँगा। मैं अपना कॉन्टेंट नंबर लिख के कुछ सर्च नहीं करूँगा, हालांकि यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, सही है। तो टाइप डिफाइन करनी होती है अकॉर्डिंग टू कि हम इनपुट किस लिए लगा रहे हैं, उसके हिसाब से टाइप डिफाइन होती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, तो हम देख लेते हैं कि ये लोगो की हमारे पास इमेज लगी है, क्या लिखा हुआ है। तो हम इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं बेसिकली। आप ये देखें, ये इन्होंने एक SVG लोगो लगाया हुआ है। तो मेरे पास एक एक्सटेंशन है, मैं उससे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और आई थिंक इसको आना चाहिए, मेरे ख्याल से ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है इसको, इसलिए शायद ये नहीं आ रहा। मैं एक दफ़ा और ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, ये दोबारा फ्री कोड, आई थिंक ये वाइट है इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा शायद कि आई थिंक यही है। एक लेट्स हम इसे चेक कर लेते हैं, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और ये मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, और क्योंकि ये वाइट है मुझे दिख नहीं रहा, तो ये लोगो मुझे दिख नहीं रहा, मगर मैं यहाँ पे ऐड अप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना इमेज का टैग लगाऊंगा, SRC लगाऊंगा। अच्छा, SRC, अब मैंने फाइल को डाउनलोड करा अपने पास, तो मैं इसका ना प्रॉपर एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। और डेस्कटॉप पे ना हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाएं। और यहाँ पे लेट्स से आपने बना दिया Practice 2 के नाम से, इसके अंदर अपनी फाइल को रखा और अपनी इमेज को भी यहीं पे हमने ऐड कर दिया। और अब मैं यहाँ से जाके इस पूरे फोल्डर को ही ओपन कर लूँगा यहाँ से। ये मैंने Practice 2 के नाम से रखा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास पूरा फोल्डर आ गया। और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके लोगो कर देता हूँ। और बेहतर होगा कि आप जब भी इमेजेस रखें तो एक एसेट्स का फोल्डर बनाएं, और इसके अंदर जो भी इमेजेस हों, आपकी जो भी दूसरी चीज़ें हों HTML फाइल के अलावा, आप इसके अंदर रखें। तो ये हमने चीज़ें यहाँ पे रख दी।
अपनी फाइल को हम दोबारा से ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसको लिंक लगा देंगे। अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये अब जिस फोल्डर के अंदर हम हैं वहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हम इस फोल्डर के अंदर हैं तो हमने यहाँ पे एसेट्स लिखा और लोगो डॉट एस वी जी लिखा, क्योंकि हमारी इमेज का नाम लोगो डॉट एस वी जी था। और यहाँ पे जाके हम सॉरी, अच्छा ये मैंने फाइल को डिलीट करा तो यहाँ से मैं फाइल को, अब आप देखें इनपुट आ गया और इमेज भी आ गई है यहाँ पे, मगर इमेज असल में वाइट है तो इसलिए हमें ये दिख नहीं, इमेज हमारी आ चुकी है। हम इंस्पेक्ट करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारी इमेज आई है या नहीं, इमेज हमारी आ चुकी है, सही है। अच्छा इसके अलावा और हमारा क्या लगा हुआ है, एक हमारे यहाँ पे बटन लगा हुआ है मेन्यू का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बटन लगा देंगे और इसमें हम मेन्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बटन आ गया, सही है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक लगी है, तो आप यहाँ पे इमेज के प्रोफाइल लगा देंगे। अच्छा फिर हम नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है। अच्छा नीचे आप देख, अच्छा एक चीज़ रहेगी मेरे से, अगर आप ये देखेंगे कि जब मैं इस पर बाई डिफ़ॉल्ट आप ये देख रहे हैं सर्च 8000 प्लस ट्यूटोरियल्स दिखा रहा है, तो हमारे इनपुट में भी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट होता है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सर्च 8000 प्लस ट्यूटोरियल्स। तो आप ये देख सकेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्लेस होल्डर आ गया। इनपुट के अंदर कुछ भी जो लिखा हुआ आता है बेसिकली ये इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं, तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट कर दिया, सही है। अच्छा इसके अलावा हम ये देखेंगे, अच्छा और हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये टैक्स आ रहा है और ये मुझे हेडिंग लग रही है, तो यहाँ पे मैं इसको एज अ हेडिंग लिख दूंगा, H1 लिख दूंगा मैं। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ से कॉपी करके भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ पे लिख दिया और मैं अपने पेज पे जाऊँगा तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आ गया, सही है। अभी बिल्कुल सेम स्टाइलिंग नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम HTML लिखते हैं तो वो पेज जो है वो उसमें स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं आती। अच्छा यहाँ पे एक और H1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक और H1 लगा दूंगा और इस H1 के अंदर अपने ये लिख दिया मैंने, सही है। अच्छा नेक्स्ट हम दोबारा, हमारे पास H1 लिखा हुआ है तो मैंने इसको H1 में ही लिख दिया, सही है। तो इस तरीके से मैं जज करता हूँ, बेसिकली काम ये होता है कि मुझे जज करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, क्या ये H1 है, जैसे कि मैंने इसको देखा मैं समझ गया कि इनपुट है, ये इमेज लगी हुई है, सही है, ये बटन लगा हुआ है, ये हेडिंग लगी हुई है और ये ऑब्वियसली ये पैराग्राफ है, सही है। और यहाँ पे मैं इसको ये देखा मैंने और ये देखिए आप पैराग्राफ आ गया, सही है। इसके अलावा ये भी इमेजेस लगी हुई हैं, ये बटन लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा बटन ऐड कर दिया। बटन में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, ओके। अच्छा आप देखेंगे मैंने बटन भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इमेज लगी हुई है तो मैं इस इमेज को ऐड कर दूंगा यहाँ से, ओके। अब मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ से मैं अपना इमेज को ऐड कर दूंगा, ये मैं ऑनलाइन लिंक लगा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसका इमेज का लिंक उठाया और डायरेक्ट ऐड कर दिया, सही है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी पैराग्राफ ही लग रहा है एक तरीके से, या फिर आप इसको H3 में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको H3 में भी लिख सकते हैं। फिलहाल आपको प्रैक्टिस करते हुए ये बस आपको जो समझ आ रहा है आप लिखें, क्योंकि आप क्योंकि जो भी चीज़ हम कभी भी स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस, तो हमें उसमें डायरेक्ट परफेक्शन की तरफ नहीं जाना होता या हमें ये नहीं देखना होता कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमें जस्ट पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है चीज़ों को डिफरेंट तरीके से ट्राई करके। तो ये जस्ट मैंने आपको एक पेज का एक सेक्शन का ओवरव्यू दिखाया कि जब भी आप HTML करेंगे किसी भी पेज की, और हर दफ़ा आपके पास कोई ना कोई पेज होगा, अगर आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे या आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो आपको कोई डिज़ाइन देंगे किसी भी फॉर्म में देंगे, हो सकता है वो आपको कोई इमेज दे दें कि मुझे इस तरीके से वेबसाइट बनानी है, या आपको कह दें कि फेसबुक जैसी मुझे वेबसाइट बनानी है या फ्री कोड कैन जैसी वेबसाइट बनानी है या लूम जैसी वेबसाइट बनानी है, या फिर वो हो सकता है आपको कोई फोटोशॉप की फाइल दे दें, तो वो डिज़ाइनर जो है पहले इसको एक एज अ मॉकअप डिज़ाइन करता है
और फिर हम इसे देख के डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम इसकी HTML करते हैं इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको करके बताया। तो आप अगर खुद से मज़ीद ट्राई करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, अच्छा ये इसमें क्या टैग इस्तेमाल होगा, आप इस इमेज को उठा सकते हैं, आप ये टैग लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये जज करना है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इस्तेमाल होना है HTML का। तो इस तरीके से आपने पेज बनाना है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे कि मज़ीद और कौन से टैग HTML के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। शुक्रिया।